समझ नहीं आ रहा बुलेट गई कहाँ, भाई को कॉल किया कॉल लग नहीं रहा। मैं कहूँ ये कैसे सो रहा है, मेरी वायर पे सो गया चार्जर की, हैं चमगादड़ की तरह सोता है। ओए सुबह सुबह उठा दिया है वे। ये बात अब क्यों दे रहे हो इसे स्टिक, मैं कुछ स्टिक खा के जाएगा, आराम से खा आराम से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 एंड मैं मैक्स को उठाने आया हूँ। मैं तो आराम से सो रहा था चैन से, मैक्स ने उठाना शुरू कर दिया और मैं इसको घुमाने आ गया हूँ। तो अगर मैं अपनी तबीयत की बात करूँ तो 90% ओवरऑल ठीक हो चुका हूँ मैं, एंड वीकनेस भी नहीं है अब इतनी, एंड फीवर तो रात को ख़त्म हो गया तो इतना था भी नहीं। हाथ का पेन तो कुछ हुआ ही नहीं इतना मुझे, तो वो तो इसको तो मैं गिनूंगा भी नहीं। बाकी ओवरऑल आज ठीक हो ही जाऊँगा मैं शाम तक, तो जो भी है ज़रा सा रह गया है, वीकनेस ज़रा सी रह गई है, वो शाम तक हो ही जाएगी ठीक। ये देखो सोया हुआ मैकू मेरे पे, मैकू अब मैं उठ गया तू भी उठेगा पक्का, पता है मुझे। तो खाने में दाल के परांठे और दही, कल से बेटर फील हो रहा है तो आज परांठे खाने का मन भी कर गया तो अब खाता हूँ इसे। कल शाम को ये रखी थी पीने के लिए एंड रख के भूल गया मैं, तो पूरी जम गई, अब पूरी पत्थर हो चुकी है इस टाइम, अब इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए बाहर। मैकू ये क्यों ले आया, अभी नहाना है तूने। मैकू तू गर्मी बहुत है नहा ले। मैकू फिर से नहा के आया। मैकू हाइपर एक्टिव होके आता है हमेशा जब भी नहा के आता है। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45 एंड अब काफ़ी बेटर फील हो रहा है, अब तो माइनर से वीकनेस नहीं पता लग रही, ओके रिपोर्ट है अब तो। एंड आज मोस्ट प्रोबेबली बाहर जाऊंगा मैं क्योंकि अब तो काफ़ी बेटर फील हो रहा है, तो इतना रेस्ट काफ़ी है बॉडी के लिए। तो बस अब लंच करूंगा मैं, लंच पता नहीं अभी क्या पता देखूंगा, तो बस उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 एंड इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं नीचे गया था एंड गर्मी ने इतना पागल कर दिया, तो मैंने सोचा ग्लूकॉन डी पीऊँ, तो ये वाला पड़ा हुआ है ऑरेंज फ्लेवर पीता हूँ मैं, तो ये पीता नहीं मैं, तो ये देखा ये आया हुआ है टैंग ऑरेंज फ्लेवर, तो अब ये बताऊँगा। तो टाइम हो रहा दोपहर के 4:30 एंड जस्ट अभी लंच ही करा मैंने, तो लंच मैंने आज चावल छोले खाए, कल से काफ़ी बेटर है, वरना कल तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, बस यही था कुछ पीना है। तो ब्रेकफास्ट सही हो गया आज का, लंच भी सही हो गया, तो बस अब नहाने जाऊंगा मैं एंड फिर मैक्स को माने जाऊंगा, एंड आज तबीयत ठीक भी काफ़ी, तो कहीं ना कहीं जाऊंगा बाहर। इसको देखो मैकू अभी नहाने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद मैंने सबको बोल दिया कि तेरे को ही घुमाने जाऊंगा मैं, चिंता मत कर। तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी एंड मैंने स्टॉक में देखा तो मेरे मतलब का यहीं पड़ा हुआ था, तो अब ये खाता। मैकू ये देखो हाँ देख ले तू देख बारिश, तो मैं इसको ले जाने ही लगा था एंड बारिश स्टार्ट हो गई एंड हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है। मैकू इसके जैसी बारिश बंद होगी उसी टाइम ले जाऊंगा तेरे को मैं, ठीक है। कितना एंजॉय कर रहा है मैक्स बारिश, मैक्स तो खुश हो जाएगा अगर बारिश में इसको मैं घुमाने ले गया तो। आज सुबह तो नहाया तू, दोबारा थोड़ी नहाएगा बारिश में हैं। मैक्स ऐसे इनोसेंट आँखें क्यों बनाता है तू, बारिश हो रही है इतनी तेज, मैं क्या करूँ, ये देख क्या करूँ मैं बता, दोनों भीग जाएंगे बीमार हो गए फिर, एंड अब बारिश है तो अभी तो ऑफिस से जा नहीं सकते। अरे इधर क्यों गुस्सा निकाल रहा है, इसको गुस्सा निकाल रहा है। रुक जा। तो मैक्स को बारिश दिखाने के चक्कर में खुद थोड़ा बहुत भीग गया मैं, ऐसे दिखा रहा था इसको बालकनी में, तो हवा भी साथ साथ चल रही है काफ़ी, तो बारिश की बूंदे अंदर ही आ गई, तो उससे थोड़ा बहुत मैं भी भीग गया।
तो अमेजन से ये मंगवाया था हमने इंटरकॉम, तो जो पहले वाला इंटरकॉम था ना वो तो ख़राब ही हो गया। भैया को 2 बार बुलाया था तो दोनों बार वो ठीक करे है, बट इंटरकॉम ही ख़राब है। तो अब इसे खोलते हैं कैसा है देखते हैं यार। तो ये पहला वाला इंटरकॉम है, ये नया वाला है, अच्छा है ये वाला कलर हटेगा, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। कमेंट्री चलती रहती है स्क्रीन। तो अब ये बुलाना पड़ेगा भैया को, वो सेट वेट कर ये वाली वायर। हाँ वैसे हो जाएगा सेट यार शायद, देखते हैं। तो ये सेट तो हो गया है, लाइट भी आ रही है, वायर वगैरह हमने लगा दी, चेंज कर दी, बट आवाज़ नहीं आ रही। आ रही लिफ्ट आ रही है, ले आ गई चल। तो टाइम हो गया शाम के 6:30 एंड जस्ट अभी मैक्स घुमाए लाया हूँ मैं। बड़ा गुस्सा आ रहा था ऐसे, क्यों नहीं लेके जा रहा, क्यों नहीं लेके जा रहा। तो बारिश रुक गई तो मैं ले आया। तो बस अब इसको घुमाने के बाद सेक्टर 13 डी डी मार्केट जाना है, मैंने कुछ सामान लाना था एंड काफ़ी भूख भी लग रही थी, तो कुछ देख लूँगा खाने पीने का। आ जाओ ए, ये उस तरफ जा रहा है बार बार क्योंकि वहाँ पर पानी है बहुत ज़्यादा। अब वहीं है, अगर बारिश हो रही होती इतना खुश हो रहा होता ये, अब बारिश नहीं है तो इसको देखो हर तरफ बार बार वहीं देखे जा रहा है क्योंकि पानी है। दिखाता हूँ मैं, मैकी आ जा, पूरा दम लगाना पड़ता है इसके लिए। आ जाओ ए, मैं नीचे ही आया था, मैंने देखा जहाँ मैं लगाता हूँ हमेशा बुलेट वहाँ खड़ी ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा बुलेट गई कहाँ, भाई को कॉल किया कॉल लग नहीं रहा, तो मुझे लगा शायद किसी ने इधर छेड़ दी होगी, दिख ही नहीं रही कहीं भी। तो उसके कॉल का वेट कर रहा हूँ फिर देखता हूँ। तो फाइनली मिल गई मुझे बुलेट, भाई का कॉल आ गया था तो उसके पास ही थी बुलेट। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी के शुरू शुरू में अगर मैं लगाता हूँ ना तो वहाँ पर बिल्ली बैठ जाती है बुलेट की सीट कवर पर, तो वो सारी सीट कवर ख़राब कर देती है। मैं लिटरली 2-3 बार कवर चेंज करा चुका हूँ, तो उसने बिल्कुल एंड में लगा दी थी बिल्कुल कोने में, तो यहीं पे खड़ी हुई है बुलेट। तो ये रही अपनी बुलेट, ये देखो मैं इस दिन लगाता आगे आगे क्योंकि ये बिल्ली हमेशा ख़राब कर देती है। एक और ख़राब हुआ पड़ा एंड ये एक और बुलेट आई हुई है सोसाइटी में किसी की, जिसकी भी है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी तो पन्नी भी नहीं उतारी बंदे ने, बहुत ही बढ़िया बाइक है यार। तो 2020 मॉडल है ये, इन्होंने साइलेंसर का कुछ अपग्रेड करा है कि बाहर की जो साइलेंसर वगैरह हैं वो ना लगा सके कोई। अब पता नहीं जुगाड़ तो आ चुका होगा शायद करोल बाग में, क्योंकि बिना साइलेंसर चलाता ही नहीं बुलेट। आज तो इतनी टेंशन हो गई थी बुलेट की, इतनी टेंशन हो गई थी जैसे क्या हो गया हो यार। तो अच्छा है यार, सोसाइटी में भी अगर ऐसे चोरी होने लग गई तो क्या ही फ़ायदा यार। और बस डी डी मार्केट जा रहा हूँ सेक्टर 13 रोहिणी, सामान वामान लेके आता हूँ। तो आ गया मैं पूरी बेकर्स पे, पिछली बार इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि भीड़ देख के घबरा गया था मैं, वापस ही आ गया फिर। तो आज तो नहीं दिख रही भीड़ इतनी, तो फिर सामान लेता हूँ यहाँ से। आज मार्केट ही खाली सी है क्योंकि बारिश वारिश हुई है ना, तो लोग अवॉइड ही करते हैं बाहर आना। एंड इतना सोच रहा था मैं अब स्वीट कॉर्न खाऊँगा मैं। भैया मसाला हल्का लगाना यार, ज़्यादा मत लगाना यार। थैंक यू भैया, अब ये खाएंगे यार। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे, छोटी सी गली है, पर ध्यान से भाई ध्यान से, सबकी स्कूटियाँ ऐसी लगी हैं, सबकी बाइकें ऐसी लगी हुई हैं, गाड़ियाँ ऐसी बीच में, ये देखो सब ऐसी गाड़ी लगा के छोड़ के गए हुए हैं, कहाँ से कुछ हो, सिस्टम नहीं है ना कुछ। ये मैक्स को आज हम डॉग फूड देंगे। मैकू आई नो एग्स, न्यूट्रिशन कुछ जा ही नहीं रहा तेरे बॉडी में, अच्छी चीज़ खा, ये ले खा ले खा ले खा ले। मैं तो ड्रामे करूंगा, मैं तो स्टंट्स मारूंगा, मैं ये तो ले खाऊंगा, ये ले ले। मैकू शरीफ बच्चा है बहुत, मैकू खा ले। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया राम लड्डू खाए हुए, तो जब वापस आ रहा तो मुझे मिल गए थे भैया, तो मैंने एक प्लेट पैक करवा ली, तो अभी से खाते हैं। अरे मैं को तू भी खा रहा राम लड्डू, रुक एक और पीस लाता हूँ, ये ले मैं को, ये पसंद आया बहुत। तो टाइम हो रहा है रात के 9:30 एंड मैक्स और मैं आराम से एसी में बैठे हुए हैं, तो यहीं पे डिनर करूँगा मैं। मैक्स ऐसे फ्रेम, डोंट टर्न योर बैक ऑन मी,
देखा आपने जैसे मैक्स ने इग्नोर कर दिया मुझे, कोई बात नहीं। तो यहीं से आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।